फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ करी पकौड़ा की। तो इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मेरे पास 2 कप है जी बेसन, और तकरीबन 6 से 8 ग्लास पानी, और करी पत्ता, ब्लैक पेपर, क्लव्स, बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, और तकरीबन 1.5 कप मेरे पास है दही। उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो दही को मैंने जो है वो पतीली में डाल लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 7 से 8 ग्लास इसमें पानी जाएगा, और फिर हम इसको बीट करेंगे योगर्ट को अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो बेसन को इसमें डाल के अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, ताकि फुटकियाँ ना बने। बेसन जो है वो अब हम सारा इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, और इसका फ्लेम जो है वो हम ऑन कर लेंगे, और सारी जो स्पाइसेस हैं होल वो इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे मसाले और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको फुल फ्लेम पे जो है वो हम पकने देंगे, जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। मैं इसको इसी मिक्सचर से मिक्स करती रहूँगी, ताकि इसमें फुटकियाँ ना बने। तो कढ़ी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम जो है वो हल्का कर देंगे और हम पकौड़ों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। पकौड़े बनाने के लिए जो मैंने सब्ज़ी ली है वो है जी 2 प्याज और 2 ही नॉर्मल साइज़ के आलू, और इनको मैंने इस कटिंग में जो है वो शेप में काट लिया है। तो स्पाइसी जो है वो है जी धनिया, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा और नमक, और बेसन जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है, और थोड़ा सा मैं लूँगी साबुत धनिया। ठीक है जी, तो चले मिक्स करते हैं अब सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसको मिक्स करते रहना है ड्राई को। ठीक है जी, इसमें अभी तक हमने पानी नहीं ऐड किया, क्योंकि अनियन जो है वो अपना पानी छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से फिर मसाला जो है वो काफ़ी रनी हो जाता है। तो तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली, नमक, धनिया पाउडर, दो चम्मच ही मैंने नमक के डाले हैं, 2 चम्मच ही धनिया पाउडर के। थोड़ा सा जो साबुत धनिया है उसको मैं क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पकौड़ों में ज़रा उनका क्रंच अच्छा लगता है, तो इसको हम क्रश करके डाल देंगे हाथों से। अब हम मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। तो बेसन जो है वो हमने ऐड कर दिया है सारा, और ड्राई को ही अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो आसानी से हो जाए, और पकौड़े जो हैं वो फ्राई करते वक्त खुले ना। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि ये आपस में अच्छे से यकजान हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच ज़ीरा। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला हो गया जी तैयार, अब हम फ्राई कर लेंगे पकौड़ों को।
पकौड़ों को फ्राई करके हमने ऐड कर दिया है जी कढ़ी के अंदर, और इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे। और अब हम तैयारी करेंगे तड़के की। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको हमने गर्म करना अच्छे से। इसमें फिर मैं ऐड कर दूंगी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन और करना है, यानी कि डार्क ब्राउन। और फिर हम जो है वो इसको शामिल कर देंगे कढ़ी के अंदर। ले जी, चेक दिस साउंड ऑफ तड़का। ले जी, तो ज़बरदस्त किस्म की करी पकौड़ा जो है वो तैयार है, और इसको अब हम डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे बॉयल राइस के साथ। और इस पे हम थोड़ा सा जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, और इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। ले जी, तो मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा तैयार है, इसको हमने सर्व किया है जी बॉयल राइस के साथ। आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।